नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे आपको पीठ दर्द की 12 बेहतरीन होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, जो आपके पीठ के दर्द को, बैक पेन को ठीक करने में बहुत सहायक होंगी। बैक पेन हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और मैं आपको बताऊं कि 8 से 10 में से 8 लोगों के बैक पेन है। आज के वक्त में 10 से 8 लोगों के बैक में पेन है, और हम लोग इससे परेशान रहते हैं, और ये वक्त के साथ चलते बहुत सीरियस हेल्थ दिक्कत पोस्ट करता है। आदमी चलने को लाचार हो जाता है, उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, लाखों रुपए इलाज में खर्च हो जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। तो साथियों, वो स्थिति ना आने पाए उसके लिए आप किसी कुशल चिकित्सक से मिलकर पहले से इलाज शुरू कर दें, जब भी आपके बैक पेन हो तो बेहतर है। मैं आपको आज 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगा या 12 कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले साथियों चलते हैं एक जनरल चर्चा कर लेते हैं कि बैक पेन होता क्या है। व्हाट इज बैक पेन या बैकएक? बैक पेन साथियों, जैसा कि वर्ड बता रहा है, पीठ का दर्द होता है। अगर आपके पीठ में दर्द है तो वो बैक पेन है। पीठ में दर्द सर्वाइकल से लेके सेक्रल वर्टिब्री तक कहीं भी पेन हो तो एक तरह से बैक पेन और सर्वाइकल पेन में ही आ जाता है। ये एक ही, दोनों टर्म अलग अलग हैं, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। चाहे पेन सर्वाइकल हो चाहे बैक में हो, ज़्यादातर जब बैक पेन होगा तो कभी ना कभी आपको सर्वाइकल भी होगा, और अगर सर्वाइकल होगा तो कभी ना कभी बैक पेन भी होगा, तो एक दूसरे के पूरक है। तो साथियों, यह बैक पेन होता है, और यह जब बढ़ता है, जब स्थितियाँ बदलती हैं, स्थितियाँ ख़राब होती हैं, तो आपके पैर तक यह जाने लगता है, पैर सुन्न होने लगते हैं, पैरों में नमनेस आने लगती है, आपका चलने में दिक्कत होती है, झुकने में दिक्कत होती है, और यह आपको परेशान करता है। फिर साथियों, एक चीज़ आती है कि ये बैक पेन क्यों होता है। बैक पेन शुरू होने के या बैक पेन ट्रिगर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण है ऑस्टियोपोरोसिस का। जब आपके बोन जो है उसमें बोन डेंसिटी कम होती है, आपकी एक अवस्था के बाद 40 साल की उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, तो आप बैक पेन की तरफ बढ़ते हैं, आपके पीठ में दर्द होने लगता है। दूसरा रीज़न साथियों, आर्थराइटिस। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो लंबर आर्थराइटिस के रूप में आपके बैक में डेवलप होती है, और आपका जो है तकलीफ देना शुरू कर देती है। तीसरी स्थिति साथी होती है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अब हम लोग बैठे बैठे काम करने का आदत है, दिमाग ज़्यादा चल रहा है, शरीर कम चल रहा है, यदि यह स्थिति साथी होती है तो यह बैक पेन बढ़ता है। तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, हम लोगों को चाहिए करना क्या है, हम लोग चलते फिरते रहें। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो भी आप 15-20 मिनट में किसी बहाने एक अपने ऑफिस का राउंड मार लें, टॉयलेट के बहाने, किसी बहाने पानी पीने के बहाने, किसी भी उससे जो है आप थोड़ा चलते रहें। और सीडेंट्री, सुबह अपने लिए वक्त ज़रूर दें, सुबह सो के उठ के थोड़ा सा जो है आप अपना वॉक करें, जिम करें, रन करें, कुछ करें, लेकिन फिजिकल कुछ ना कुछ अवश्य करें। चौथी साथियों कंडीशन जिससे कि बैक पेन बढ़ता है या ट्रिगर होता है, वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कब्ज है तो कभी ना कभी आपको बैक पेन जरूर शुरू होगा, और अगर कब्ज बना हुआ है तो आपको बैक पेन क्रॉनिक रूप ले लेगा, आपको एक परेशानी का सबब बन जाएगा। तो कब्जियत ना होने दे साथियों, कब्जियत से आपको बैक पेन बढ़ता है। फिर साथियों, एक कंडीशन होती इंजरी। अगर आपको कभी कोई चोट लगी है तो ये हो सकता है वो ट्रोमेटिक आर्थराइटिस या ट्रोमेटिक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के रूप में डेवलप हो जाए, और आपके बैक को पेन करे, आपकी पीठ में दर्द शुरू कर दे, तो इंजरी से अपने आप को बचाना है। और अगर इंजरी आपको हो गई है तो आर्निका बेलेडोना 1 mg पावर में ज़रूर लेके 3 दिन तक सुबह दोपहर शाम दोनों दवाएं लेके खा लें, ताकि उसका इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए, और अगर वो ट्रोमेटिक है तो इकोनाइट 30 भी उसमें डाल लें। फिर साथियों, एक और कंडीशन होती है जिससे आपका बैक पेन ट्रिगर होता है, वो होता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आपकी हड्डियाँ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है कि आपकी बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ने लगती हैं, बहुत करीब आ जाती हैं, लंबर स्पाइन की, चाहे लंबर आ जाएं, चाहे थोरेसिक आ जाएं, चाहे सेक्रल आ जाएं, वो करीब आ जाती हैं और फ्यूज़ होने लगती हैं। तो साथियों, एक और स्थिति आती है जब आपका एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ता है, वह होता है कि जब आप का जो
खान पान है, खान पान ठीक नहीं है। आज के दौर में वीट रिकमेंडेड नहीं होता है, आप लोग मल्टीग्रेन खाना खाएं ताकि आपका जो न्यूट्रिएंट सारे स्पाइन को बोन को मिलने हैं, मिल्क जरूर पिए। तो जो डाइटरी डिसिप्लिन होता है वो भी आप रखें तो आप इसके बच जाएंगे। इसके अलावा एक कंडीशन हेरिडिटरी होती है जिसमें कि जेनेटिक होता है, तो उसमें हम लोग शायद कुछ कम कर पाएँ, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन बाकी सारी परिस्थितियाँ आपके हाथ में हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। एक साथ ही और कंडीशन आती है जिससे आपका बैक पेन ट्रिगर होता है, वह है साइटिका। अगर आपको साइटिका की दिक्कत है, यानी आपके लेफ्ट या राइट पीछे हिप जॉइंट से लेके नीचे पैर तक नमनेस आ रही है, तो वो साइटिका होता है। जब बैक की तरफ एक नर्व में, साइटिक नर्व में आपको खिंचाव और पेन, एक लाइटनिंग टाइप पेन महसूस होता है, तो साइटिका भी आपके बैकेक को बढ़ाता है, बैकेक को ट्रिगर करता है। और स्लिप डिस्क हो जाती है साथियों, लगातार जब बैक पेन में स्लिप डिस्क, आपको चोट लगी, स्लिप डिस्क हो गई, आपने बहुत भारी वजन एकदम से उठा लिया, आपको स्लिप डिस्क हो गई, अगर यह स्थिति साथियों आ जाती है तो भी आपको यह बैक पेन के आप शिकार होते हैं या बैक पेन शुरू हो जाता है ऐसे लोगों को जिनको स्लिप डिस्क होती है। फिर साथियों एक बात आती है कि ये किसको हो सकता है, अभी बात हुई कैसे ट्रिगर होता है, फिर ये किसको हो सकता है बैक पेन। बैक पेन किसी को भी हो सकता है, लेकिन बैक पेन 40 साल की उम्र के बाद, 40 इयर्स का आपका एज पड़ने के बाद इसके ज़्यादा बैक पेन बढ़ने का रिस्क होता है। तो आप 40 साल के बाद अपने को केयर रखें, खास तौर से जो टॉल लोग हैं वो ज़्यादा केयर रखें क्योंकि उनका स्पाइन ज़्यादा प्रेशराइज होता है। आप 40 इयर्स के बाद अपने उसको रखें, उसका केयर रखें। उसके बाद साथियों जो प्रोन होते हैं लोग जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे हमने कहा जिनका चलना फिरना कम है, दिमाग का काम ज़्यादा है, तो उनका बैक पेन ट्रिगर होना ज़्यादा प्रोन होता है। जिनके कॉन्स्टिपेशन होता है उनका बैक पेन ट्रिगर होना ज़्यादा प्रोन होते हैं वो लोग बैक पेन ट्रिगर होने के। इसके अलावा जिनका पॉस्चर ख़राब होता है, आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट स्पाइन करके बैठे, आपकी एनर्जी हमेशा माना जाता है स्पाइन में फ्लो करती है, स्पाइन को आप स्ट्रेट रखें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके बैक पेन को रोकने के लिए। आपको बैक पेन को आप ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे अगर आपका पोस्चर ख़राब है। ये साथियों एक बात थी कि बैक पेन किसको हो सकता है, फिर इसके जो है बैक पेन पता कैसे करें, एक बात ये आती है, तो डायग्नोसिस कैसे बने। तो साथियों बैक पेन की बहुत आसान है डायग्नोसिस, एक्सरे एक बहुत बढ़िया माध्यम है, सबसे सस्ता माध्यम है। इसके अलावा MRI है, CT स्कैन है, आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें आर्थराइटिस प्रोफाइल करा लिया जाता है, HPLA जीन को देख लिया जाता है, NT-CCP देख लिया जाता है, CRP देख लिया जाता है। तो इन सब टेस्ट के माध्यम से आप जो है अपने बैक पेन की एक्चुअल स्थिति पता कर सकते हैं। एक नोट मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा कि जब भी कोई डॉक्टर MRI आपको लोअर बैक का लिखे तो आप लोअर बैक का MRI कराएं, लेकिन किसी भी पैथ लैब में जाएं MRI कराने के लिए तो वहाँ पे ये बोल दें कि आप हमारे पूरे स्पाइन की स्क्रीनिंग कर दीजिए, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं पड़ता है। पूरे स्पाइन की स्क्रीनिंग आप अपने डॉक्टर से लिखवा लें, वो उतने ही पैसे में होता है जिसका आपका लंबोसेक्रल स्पाइन का स्क्रीनिंग होता है, लेकिन पूरे स्पाइन की फ़ोटो हो जाती है तो उससे बहुत एनालिसिस करने में अच्छा हो जाता है कि आपके कहीं दर्द तो आपके बैक में लोअर बैक में हो रहा है लेकिन कहीं आपके यहाँ भी तकलीफ तो नहीं शुरू हुई है, ये चीज़ आपको पता लग जाती है। फिर साथियों अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे इतनी देर से, कि इसकी कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएँ हैं, मैं आज आपको 12 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो बैक पेन को, बैक को ठीक करने में बहुत कारगर है। लेकिन उससे पहले साथियों फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि यह जो प्रोग्राम है ये आपके एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन इन द सेंस कि हम चाहते हैं आपको दवा मालूम हो ताकि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाएँ तो आपको कुछ अपने बारे में ब्रीफिंग हो। लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब के बिना, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्राइब करे बिना ना ले, क्योंकि होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और हो सकता है वो दवा आपको सूट ना करे जो हमने बताई हो, आपके सिम्टम उससे भिन्न हो। तो डॉक्टर से आप विवाद भी ना करें, बहस भी ना करें, डॉक्टर बेस्ट पर्सन है आपके सिम्टम्स के हिसाब से दवा बताने के लिए। होम्योपैथी में पर्सन टू पर्सन, सिम्टम टू सिम्टम दवा भिन्न हो सकती है। अब साथियों बिना देर करे या देर करने के बाद अब हम आपको आते हैं मेन बात पर कि होम्योपैथी में इसकी कारगर दवाओं के बारे में।
साथियों जो टॉप दवा है बैक पेन की, नंबर एक दवा है होम्योपैथी में बैक पेन की, वह है रस्टॉक्स। आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा रस्टॉक्स। अगर आपके बैक में पेन है, चाहे वो लंबर रीजन में हो, चाहे वो सेक्रल रीजन में हो, चाहे वो थोरैसिक रीजन में हो, आप रस्टॉक्स 1 mg, हमने क्लिनिक पे देखा है इसका 1 mg पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स 1 mg दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ले लें बैक पेन के लिए, आपका जो पेन है वो चला जाएगा। बशर्त है वो पेन ऐसा हो कि आपको चलने से आराम मिलता हो और बैठने से तकलीफ बढ़ती हो। जो रस्टॉक्स का मरीज है उसको चलने से बैक पेन में आराम मिलता है और जब वो रेस्ट कर लेता है तो उसको उसको जो है वो तकलीफ पड़ती है। जैसे कि आप सुबह उठ सो के उठे और आपने कहा सुबह मेरे ज़्यादा तकलीफ़ है और मैं थोड़ा सा चलता हूँ या चलती हूँ तो मेरा बैक पेन ख़त्म हो जाता है, यह स्थिति है रस्टॉक्स की। रस्टॉक्स 1 mg दो दो बूंद दिन में 3 बार आप इस स्थिति में ले सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरी साथियों स्थिति आती है ठीक इसके अपोजिट कि आपको चलने से तकलीफ बढ़ती है। क्या हम साहब बैठे थे तो हमें आराम था लेकिन अब जब हम चले तो हमारी तकलीफ बढ़ गई। अगर यह स्थिति साथियों आप में अपने में सिम्टम देख रहे हो तो इसकी दवा है ब्रायनिया 30 आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका जो चलने के बाद तकलीफ बढ़ने की स्थिति है उसमें बहुत आराम मिल जाएगा, आपको रिलीफ आ जाएगा और आप अपने को सहज महसूस करेंगे। तीसरी साथियों स्थिति आती है कॉन्स्टिपेशन, बैकएक ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, आपके कब्ज बना रहता है और आपके लोअर बैक में पेन होता है और आपकी हिप गर्डल तक ये पेन होता हुआ नीचे तक पैर तक जाता है। यह स्थिति साथियों अगर है तो इसकी दवा है एस्क्यूलस हिप्पोकैस्टम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। बहुत उम्मीद है कि आपका यह बैक पेन ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन विच इज एक्सटेंडिंग इनटू द सैक्रम वर्टिब्री नीचे की तरफ आपके जा रहा है और बिल्कुल लोअर कॉकिक्स तक पेन हो रहा है, उसमें एस्कुलस बहुत अच्छा काम करती है और आपको बहुत अच्छा रिलीफ दे देती है। चौथी स्थिति साथियों आती है हमारी महिलाएं जब डिलीवरी के बाद उनके बहुत बैक पेन होता है, उन्होंने डिलीवरी करी पार्चुरेशन करा तो बेबी होने के बाद उनके बहुत बैक पेन शुरू हो जाता है और सालों तक बना रहता है। अगर साथियों यह स्थिति है इसमें भी दो स्थितियां हैं, एक होता है कि जब आपके बैक पेन नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, नॉर्मल पार्चुरेशन हुआ हो उसके बाद आपके बैक पेन हो रहा है, और एक स्थिति होती है जब आपके इंजेक्शन लगा हो एनेस्थीसिया का स्पाइन में आपका सिजेरियन हुआ हो उस स्थिति में बैक पेन होता है। तो अगर आपके बैक पेन नॉर्मल पार्चुरेशन के बाद हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद हो रहा है साथियों, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है कालीकार्प। आप कालीकार्प 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, ले सकती हैं सुबह दोपहर शाम, आपको बैक पेन में आराम मिल जाएगा उस स्थिति में जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। और यदि आपके वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा है, आपका डिलीवरी के समय सिजेरियन हुआ है, तो उसकी दवा साथियों है कालीकार्प थूजा और हाइपेरिकम। अगर आपके बैक पेन हो रहा है और आपके ऑपरेशन हुआ है तो कालीकार्प 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार, हाइपेरिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार और थूजा ऑक्सीडेंटिस दो दो बूंद दिन में 3 बार, यह तीनों दवा आप ले लें, आपको निश्चित रूप से बैक में पेन में आराम मिलेगा। और साथ में दोनों परिस्थितियों में आप कैल्केरियाकार्प 30 ले लें, दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें 1 से 2 महीने तक, तो आपका जो वेट गेन हुआ है उसमें भी आराम होगा और जो बैड इफेक्ट्स ऑफ पार्चुरेशन आए हैं वह भी ख़त्म हो जाएंगे, आपका वेट भी नॉर्मल की तरफ तेज बैठेगा, आपका एंजाइटी भी ख़त्म हो जाएगा और आपका बैक पेन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है जबकि हमारे बैक पेन हो रहा हो ड्यू टू इंजरी, हमें चोट लग गई और उससे हमारे बैक पेन शुरू हो गया हो साथियों, अगर यह स्थिति हो तो उसकी बहुत अच्छी दवा जैसे मैंने शुरू में बताया था आर्निका है। आर्निका 1 mg आप दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें, आपका बैक पेन ड्यू टू इंजरी ठीक हो जाएगा। और इसकी दूसरी बहुत अच्छी दवा है हाइपेरिकम 30 उस स्थिति पर जब आपके बैक पेन में इंजरी हुई हो बैक में और आपका यह दर्द पैर में नीचे तक जा रहा हो, आपका साइटिका या नीचे तक नर्व की खिंचाव हो रहा हो, तो उसकी दवा हाइपेरिकम है। तो आर्निका उस स्थिति में लेनी है आपको इंजरी में जब आपके ब्रूस फीलिंग हो, पूरे शरीर में सूजन आ गई हो, दर्द हो रहा हो, जैसे बहुत मारा गया है, यह स्थिति में आर्निका है। और अगर वह नर्व इंजरी आपको लग रही है, अगर आपके नर्व्स में हमारे चोट पहुंची है, तो वो दवा हाइपेरिकम 30 हो जाएगी, दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपको बैक पेन ड्यू टू इंजरी में बहुत लाभ मिलेगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है बैक पेन होता है विथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस,
हमारी पीठ में दर्द है वो ऊपर गर्दन तक आ रहा है, यह स्थिति साथियों हो तो इसकी बहुत अच्छी दवा है सिमिसिफ्यूगा 200। सिमिसिफ्यूगा 200 पावर में दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। उस स्थिति में जब आपके बैक पेन हो रहा है, जो आपके स्पाइन तक ऊपर जा रहा है और आपके ये शोल्डर की मसल्स आपकी पेन हो रही हैं, यह पेन सिमिसिफ्यूगा तुरंत ख़त्म कर देती है और आपको बैक पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस से रिलीफ दे देती है। साथ में इसमें रोडोडेंड्रॉन 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, यह भी बहुत अच्छी दवा है। और तीसरी इसके साथ ही दवा है लैक्नेंथस 30। लैक्नेंथस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, यह तीनों दवा आप ले लें तो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस के माध्यम से बैक पेन जो है वह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति और आती है जो किसी के सामने आ सकती है कि बैठने से दर्द हो रहा है, कहे दिन भर बैठने का काम है, अब मेरी पीठ में दर्द होने लगा, दिन भर हम बैठे रहते हैं, बैठ के काम करते हैं। तो साथियों अगर यहाँ आपके मन में भावना आए, यहाँ मन में विचार आए कि इसलिए हमारे बैक में पेन हो रहा है, तो इसकी दवा कोबाल्टम है और दूसरी दवा फॉस्फोरस है। कोबाल्टम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में बैक पेन ड्यू टू सिटिंग में आप ले सकते हैं, जब आपके दर्द हो रहा है और वह दर्द आपके पैर तक नीचे उतर रहा है और आपको वो एक नीचे तक तकलीफ और सुनपन दे रहा है, उसकी दवा कोबाल्टम है। और फॉस्फोरस साथियों इसकी बहुत अच्छी दवा है उस स्थिति में जब आपके जलन हो रही हो, बैक में बर्निंग हो रही हो, यार बैठे रहते हैं और बैठे बैठे पीठ में जलन होने लगती है, अगर यह स्थिति साथियों आपको अपने में दिखती है तो आपकी दवा फॉस्फोरस है। आप फॉस्फोरस 1 mg वीकली 2 बूंद ले लें, आपको ये जो जलन है आपके पीठ की यह चली जाएगी। फिर साथियों एक स्थिति और आती है कि बैक पेन हो रहा है और हमारे पैर सुन हो गए, साइटिका हो गया। अगर आपको ये वर्ड सुनने को मिले, डॉक्टर आपसे कह दे कि बैक पेन हो रहा है और साथ में साइटिका आपके हो रहा है, यानी पैर में खिंचाव आ रहा है, और इसका बहुत सिंपल टेस्ट है, आप सीधे बेड पे लेट जाएं और अपने पैर को सीधा ऊपर उठाएं। अगर आप पैर सीधा ऊपर उठा देंगे, उठा पाएंगे, अगर साइटिका होगा तो आप नहीं उठा पाएंगे। तो अगर आपको साइटिका है साथियों तो इसकी 3 बहुत कारगर दवा है, कोलोसिंथ, गिनेफाइलम और हाइपेरिकम। कोलोसन 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार, हाइपेरिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार और ग्रेफेलियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार। इसमें जो कोलोसिंथ है वो स्पेशली लेफ्ट साइडेड साइटिका की रॉयल रेमेडी, अगर आपके बाएं पैर सुन हो रहा है, बाएं पैर में नमनेस आ रही है और आपके बैक पेन है तो उसकी दवा कोलोसिंथ 30 है। बाकी ग्रेफेलियम और हाइपेरिकम आप साथ में ले सकते हैं, दोनों दवा एकम्पनी करके आपके बैक पेन में आराम दे देंगी। साथियों एक स्थिति आती है, अभी बात हुई पैर की कि आपके पैर में नमनेस आ रही है तो हमने आपको 3 दवा बताई, अब हमारे हाथों में नमनेस आ रही है, हाथ सुन हो रहा है, यह स्थिति साथियों अगर हो जाए तो इसके लिए बहुत कारगर दवा है कालमिया। आप कालमिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें, आपको बहुत आराम मिलेगा और आपके हाथों की जो नमनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर भारीपन हो रहा हो आपके हाथों में तो इसकी दवा पेरिस क्वाड्रिफोलिया है, आप पेरिस क्वाड्रिफोलिया ले लें। अगर वज़न महसूस हो रहा हो आपको अपनी गर्दन पे तो आप पेरिस क्वाड्रिफोलिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों कुछ और बहुत कॉमन दवा है जैसे बेलेडोना। बेलेडोना माना जाता है आपके शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, क्योंकि ये बैक पेन में हमारे स्पाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस में, लंबर में, तो आप जो है बेलेडोना 1 mg, आर्निका 1 mg, ये एक मैजिक वो है, मैजिक कॉम्बिनेशन है। अगर आपके कहीं भी पेन बैक में हो रहा है तो आप बेलेडोना 1 mg, आर्निका 1 mg और रस्टॉक्स 1 mg, इन तीनों दवाओं को मिला के दिन में 3 बार दो दो बूंद ले लें, आपके बैक पेन में एक दिन के अंदर त्वरित आराम मिलेगा। और फिर किसी कुशल चिकित्सक को जरूर दिखा लें। और जो सारी दवाएं साथियों हमने बताई हैं यह भी आप बिना चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करें ना लें। साथियों आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप YouTube के नोटिफिकेशन पैनल में हमको वहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं, हमें कोशिश होगी आपको सही आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करूँगा। और हमारा WhatsApp नंबर 9415786380 इस पर आप अपनी क्वेरी WhatsApp कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका भी संतोषजनक जवाब दें जो आपके काम आए। अगर साथियों आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और बेल नोटिफिकेशन बटन जो नीचे दिया उसको दबा दीजिए ताकि ऐसे ही तमाम वीडियो आप तक आते रहें। और मेरा ये जो स्वास्थ्य का संकल्प है, भारत सृजन का स्वास्थ्य का संकल्प है, यह पूरा होता रहे। धन्यवाद।